हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इंस्टेंट चीज़ बेक पास्ता, जो बहुत क्रीमी और चीज़ी बनी है और देखने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम व्हाइट सॉस बनाएंगे। तो उसके लिए पैन में एक बड़ा चम्मच बटर डालें और इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच कटा हुआ लहसुन। थोड़ी देर इसे हम फ्राई करेंगे और फिर इसमें एक बड़ा चम्मच हम मैदा डालेंगे। मैदा और बटर का जो रेशियो है एक बराबर होना चाहिए। मैदे को चलाते हुए लगातार धीमी आंच पर भूनें ताकि मैदे का कच्चापन दूर हो जाए और लहसुन का भी। इसके बाद इसमें मिलाएं दूध। मैंने फुल फैट मिल्क लिया है जिससे जो पास्ता है बहुत क्रीमी बनेगा। और दूध को मैं थोड़ा थोड़ा डाल के मिला रही हूँ जिससे कि गुठलियाँ ना पड़े हमारे सॉस में। और ये मैंने सारा दूध डाल दिया। अब इसको पूरा अच्छी तरह से मिलाएं। फिर इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इनको अच्छी तरह से मिला लें और कुछ देर इसे पका लेंगे। और ये देखिए हमारा जो सॉस है बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है, बहुत ही क्रीमी बना है। अब ये तैयार हो गया है तो गैस बंद करें और एक तरफ से हम रख लेंगे। यहाँ पर मैंने डिसानो का पेने पास्ता इस्तेमाल किया है जो 100% ड्यूरम वीट सिमला पास्ता है। 2 सर्विंग के लिए बना रहे हैं तो 1 कप पास्ता लें। वजन में ये 150 ग्राम के आसपास होता है। मैंने 3 कप पानी रख दिया था उबलने के लिए। इसमें 1 बड़ा चम्मच नमक डालें और 1 बड़ा चम्मच तेल डालें। और जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाए तब इसमें डालें पास्ता। पास्ते को 10 से 12 मिनट तक बॉईल करें। पास्ता को 80% ही पकाना है। और ये देखिए परफेक्ट हमारा पास्ता कुक हो गया है। इसे अब हम निकाल लेंगे। और जैसे ही इसे निकालें इसे तुरंत नॉर्मल पानी से वॉश कर लें ताकि ये आगे कुक नहीं होगा और इस तरह से आपस में चिपकते भी नहीं हैं। अब हम एक मग लेंगे, कॉफ़ी मग लें और अपने हिसाब से सबसे पहले व्हाइट सॉस डालें, फिर पास्ते को मग में इस तरह से लगाएं स्टैंडिंग पोजीशन में और इस तरह से पूरा सेट कर दें पास्ता। फिर इसके ऊपर से फिर से व्हाइट सॉस डालें। अब इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो डालें ऊपर से। फिर इसके ऊपर डालें मोजरेला चीज, अपने हिसाब से मोजरेला चीज डाल सकते हैं इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी सीजनिंग और डालेंगे जिससे ये बहुत खूबसूरत दिखेगा। इसके बाद इसे हम बेक करेंगे। ओवन को मैंने पहले ही प्रीहीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। इसके बाद 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए इसे बेक कर देंगे। और ये देखिए हमारा जो पास्ता है बेक हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा यम्मी दिख रहा है। और ये देखिए बहुत ही क्रीमी है, बहुत ज़्यादा चीज़ी है। तो दोस्तों बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसके लिए मुझे कमेंट जरूर करें और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप कुकिंग।